बलियापुर के रघुनाथपुर मध्य विद्यालय में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। वहीं शिक्षकों द्वारा छात्रों को साक्षरता का अर्थ बताया गया। सबसे पहले तो 8 सितंबर को आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं। इसका शुरुआत किया गया था इसी उद्देश्य से कि उस समय लिटरेसी बहुत कम था। 1965 को शुरुआत किया गया था, तब से लगातार हर साल मनाया जा रहा है कि कैसे हमारा साक्षरता दर बढ़े। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय अगर हम लोग देखें तो 18% केवल यहाँ साक्षरता दर था, आज 74% बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अभियान चला करके इसको आगे बढ़ाना है। शिक्षा से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग हमेशा ये करते हैं। रात्रि पाठशाला वगैरह बहुत सारा हम लोग आयोजन किए हैं। तो शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा से ही हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, एक सबल राष्ट्र की कल्पना को परिपूर्ण कर सकते हैं। इसको हम लोग एक सतत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और वो कार्यक्रम का कुछ ही दिनों में हम लोग को फल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी नामांकन सभी विद्यालय में हो चुका है सभी बच्चों का। तो अभी तो बीच छोड़ के कोई यहाँ नामांकन करने आएगा नहीं, लेकिन पुनः जब अप्रैल में नामांकन अभियान चलेगा तो अभी से हम लोग गाँव जाके बच्चों के साथ प्रभात फेरी भी किए करेंगे। एक उड़न दस्ता बनाया गया है कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं इस विद्यालय के, अगर हैं नामांकित है, अगर वो छिजित हो रहे हैं, उनको भी विद्यालय से जोड़ा जाए। उड़न दस्ता में बच्चे हैं, टीचर हैं, और जा जाके उन बच्चों को खोजा जा रहा है जो नहीं आ रहे हैं। और नए बच्चों का एडमिशन अप्रैल में किया जाएगा, उसके लेकर के पूरी तैयारी की गई है कि जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, प्रभात फेरी चलाएगा, सारा हम लोग ये करेंगे और विद्यालय एडमिशन से बढ़ेंगे। बिल्कुल एडमिशन माने बहुत ज़्यादा जाएगा। मेरा आज के लिए संदेश यही है और सही मायने में सबके लिए ये संदेश होना चाहिए कि आप जीवन में अगर शिक्षा पाएंगे, जो पाता है जीवन में शिक्षा पूरी होती है उसकी हर इच्छा, तो शिक्षा से बड़ा कोई भी अस्त्र आपके पास नहीं है। इसलिए हर कोई शिक्षित बने, अपने बच्चों को स्कूल भेजे, उनको उनकी पढ़ाई का आप ध्यान दें, बाकी सारा काम तो बाद में हो जाएगा, शिक्षा दोबारा नहीं हो पाएगा आपके लिए। इसलिए आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए यही बात है कि हर अभिभावक जो है वो अपने बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करें।